बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 18 जनवरी 2021 पीर का दिन था, वीक का आज फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे कि आज मार्केट ने कैसी परफॉर्मेंस दी है, सेक्टर देखेंगे कौन से सेक्टर प्लस में गए, कौन से नेगेटिव में। मार्केट मूवर्स की बात करेंगे जिसमें वॉल्यूम 50,000 से अबव होगा। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फॉरनर्स और लोकल्स की बाइंग सेलिंग देखेंगे। आज के रिजल्ट्स अगर हुए तो उस पर एक नज़र डालेंगे। नेक्स्ट जो आने वाले इवेंट्स हैं, बोर्ड मीटिंग्स, पे आउट्स वगैरह, उसको देखेंगे और एंड पे जो है वो चार्ट्स पे लेवल्स देखेंगे। चलें शुरू करते हैं समरी आज की। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, थैंक यू। मार्केट ने वीक का आगाज जो है वो नेगेटिव सेशन से किया है। 204 पॉइंट्स की कमी के साथ इंडेक्स 45,726 के लेवल पे क्लोज हुआ है। 0.44% का ओवरऑल डिक्लाइन था आज। ओपनिंग जो थी वो पॉजिटिव साइड पे थी 45,947 की, और अपना जो हाई लगाया था वो 46,047 का लगा था। 116 पॉइंट्स का गेन था इंट्राडे में 0.25, लेकिन वहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ इंडेक्स, और अपना जो लो लगाया इसने 45,714 का लगा था। 216 पॉइंट्स इंट्राडे में लूज हुए थे, और क्लोजिंग भी जो है वो लोएस्ट साइड पे आई है 45,726 के लेवल पे 204 पॉइंट्स की कमी के साथ। वॉल्यूम्स जो है वो आज 285 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है। 5 डे की एवरेज से जो है वो 353 मिलियन शेयर्स की है। 29 स्क्रिप्ट अपसाइड पे थे KSE 100 इंडेक्स के, 66 डाउन थे, और 5 स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज गए। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें तो आज जो है वो सबसे ज़्यादा जो इंडेक्स को ड्रैग किया वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर था, 114 पॉइंट्स निकाले। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग ने भी 34 पॉइंट्स निकाले। पावर जनरेशन की तरफ से 31 पॉइंट्स, सीमेंट्स ने 30, फूड सेक्टर ने 14, फर्टिलाइजर ने 11, जबकि इंजीनियरिंग और केमिकल्स की तरफ से भी 9-9 पॉइंट्स निकले हैं। पॉजिटिव साइड पे आज टेक्नोलॉजी सेक्टर ने कंट्रीब्यूट किया है 60 पॉइंट्स, कमर्शियल बैंक्स ने 22, मिसलिनियस की जानब से 12 पॉइंट्स ऐड हुए हैं, विनास्पति एंड अलाइड इंडस्ट्रीज ने 7, जबकि क्लोज एंड जो म्यूचुअल फंड है उन्होंने भी 2 पॉइंट्स ऐड किए। कंपनीज की अगर बात करें तो TRG सबसे ज़्यादा पॉजिटिव साइड पे टॉप पे था 74 पॉइंट्स के साथ। UBL ने 28, फैसल बैंक की तरफ से 13, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ने 12 पॉइंट्स, जबकि HMB की जानब से 9 पॉइंट्स ऐड हुए हैं। PPL ने सबसे ज़्यादा पॉइंट्स निकाले हैं 42, OGDCL दूसरे नंबर पर आया 40 पॉइंट्स के साथ। हब पावर कंपनी लिमिटेड ने 33, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स की जानब से 27, लक्की ने 21, PSO 18, सिस्टम लिमिटेड ने 13, जबकि मुस्लिम कमर्शियल बैंक्स की जानब से भी 12 पॉइंट्स इंडेक्स से आज निकले। सेक्टर्स की अगर बात करें तो पॉजिटिव साइड पर आज मुदारबा सेक्टर सबसे टॉप पर गया, 3.76% का ओवरऑल इंक्रीज था। विनास्पति एंड लाइट इंडस्ट्रीज 2% अप थी। शुगर भी आज 2% अपसाइड पर गया, मिसलिनियस 1.46, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन में 1.40% का इंक्रीज देखा गया है, वूलन में भी 1.40, जबकि लीजिंग कंपनीज 0.61% अपसाइड पे गई हैं। फ्लिप साइड की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो आज डाउन सेक्टर था वो रिफाइनरी सेक्टर था, 2.91% का डिक्लाइन था इसमें। सेंथेटिक एंड रेयान सेक्टर में 2.80%, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड 2.75% डाउन थे। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन जो है 2.16, ग्लास सेक्टर 1.64, ट्रांसपोर्ट 1.46, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में भी 1.45% का डिक्लाइन था, टोबैको 1.35, पेपर एंड बोर्ड 1.31, और इंजीनियरिंग सेक्टर भी 0.97% आज डाउन साइड पे गए। अदर इंडेक्सेस की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स भी 205 पॉइंट्स की कमी के साथ 31,708 के लेवल पे बंद हुए। वॉल्यूम जो है वो 543 मिलियन शेयर्स का लगे। KSE 30 इंडेक्स 90 पॉइंट्स डाउन था, 19,019 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। 125 मिलियन शेयर्स का इसमें भी वॉल्यूम था। मीज़ान का 30 इंडेक्स भी 790 पॉइंट्स डाउन साइड पर बंद हुआ है, 1.07% कमी के साथ 72,952 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है 87 मिलियन के वॉल्यूम के साथ। जबकि मीज़ान का जो ऑल शेयर इंडेक्स है उसमें भी 1% का डिक्लाइन है, 229 पॉइंट्स की कमी के साथ 22,375 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम जो है वो 176 मिलियन शेयर्स के लगे। ETFs में जो है वो UBL का ETFs भी डाउन था 52 पॉइंट्स, 12,723 पे बंद हुआ है, जबकि 13 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम था इसमें। NIT का ETF 81 पॉइंट्स की कमी के साथ 9,738 में बंद हुआ है, 19.5 मिलियन शेयर्स का इसमें भी वॉल्यूम है, जबकि LBP का ETF जो है वो 109 पॉइंट्स डाउन साइड पे था, 11,191 पे इंडेक्स की क्लोजिंग आई है 20 मिलियन शेयर्स के साथ। जबकि मीज़ान का जो ETF है उसमें 105 पॉइंट्स की कमी हुई है, 10,647 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है, वॉल्यूम भी तकरीबन 37 मिलियन शेयर्स का इसमें लगा है। मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो आज के टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स हैं वो चेक कर लेते हैं।
वॉल्यूम लीडर्स में से जो है वो टॉप पे आज TRG है। TRG में तकरीबन 48 मिलियंस का वॉल्यूम था, 7.23% का इजाफा हुआ। 4G फूड दूसरा बड़ा शेयर था वॉल्यूम के लिहाज से, 44 मिलियंस का इसमें काम हुआ, 6.64% अपसाइड पे गया। के इलेक्ट्रिक जो है वो 33 मिलियन वॉल्यूम के साथ 3% डाउन था। हम नेटवर्क में भी तकरीबन 23 मिलियंस का वॉल्यूम था, 3.60% अपसाइड पे गया। यूनिटी फूड 2% अप था, 21 मिलियंस का इसमें काम हुआ। जहांगीर सिद्दीकी कॉरपोरेशन जो है वो 20 मिलियन वॉल्यूम के साथ 4.27% अपसाइड पे गया। पाकिस्तान रिफाइनरी जो है वो आज डाउन साइड पे था, 4.44%, 18.5 मिलियन शेयर्स का इसमें वॉल्यूम था। WTL 18 मिलियन वॉल्यूम के साथ 0.86% अपसाइड पे था। कैपको जो है वो 1.57% प्लस में गया, 16 मिलियंस का इसमें ओवरऑल वॉल्यूम था। जबकि FABL में भी 15.5 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है और ये 7.35% अपसाइड पे गया है। आज के जो टॉप 10 गेनर्स रहे हैं उसमें टॉप पे जो है वो यूनिकैप मुदारबा था, 34% जो है वो अपसाइड पे गया। मुदारबा अलमाली 23% अप था। पॉपुलर इस्लामिक मुदारबा में भी 16% की अपसाइड मूव बनी है। BRR गार्डियन मुदारबा 8.70% अपसाइड पे थे। तो आज तकरीबन मुदारबा सेक्टर जो है वो टॉप पे गया है। पाकिस्तान केबल्स 7.50, नगीना कॉटन मिल 7.50, शिफा इंटरनेशनल और MFL में भी 7.50% की अपसाइड मूव आई है। मैकपैक फिल्म 7.49 और निशात चुनिया जो है वो 7.46% अपसाइड पे गए। आज के जो टॉप 10 लूजर्स हैं उसमें टॉप पे जो है वो स्टाइलिश टेक्सटाइल है, 13% डाउन था। फर्स्ट पाक मुदारबा 8.30, चकवाल स्पिनिंग 7.60, फर्स्ट नेशनल इक्विटीज लिमिटेड 7.50% डाउन था। एस्कॉर्ट सर्विसेज बैंक्स जो है वो 5.80, मियां टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज 5.72, फर्स्ट इलीट कैपिटल मुदारबा 5.64% डाउन थे। बर्जर पेंट्स 4.87, सुमित बैंक 4.76 और बिलाल फाइब्रिक्स भी 4.74% आज डाउन साइड पे गए। तो ये मूवर्स थे आज के। नेक्स्ट जो है वो इवेंट्स में सबसे पहले बोर्ड मीटिंग देखते हैं। तो डेंडोट सीमेंट्स कंपनी का कल रिजल्ट है 3:30 बजे। डॉलमन सिटी का भी हाफ ईयर का रिजल्ट 20 जनवरी को 11 बजे है। क्लोवर पाकिस्तान अपना फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट 20 जनवरी को 12:30 बजे अनाउंस करेगा। थल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है 23 जनवरी को 11 बजे। बाबा फरीद शुगर मिल्स भी अपना फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट जो है 23 जनवरी को 12 बजे अनाउंस करेगी। फौजी फूड का एनुअल रिजल्ट 25 जनवरी को 11 बजे है। जोराबाद शुगर मिल्स का भी फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट 25 जनवरी को 11:30 और शामराज शुगर मिल्स फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट 25 जनवरी को 11:30 बजे अनाउंस करेगी। फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम का जो है वो एनुअल रिजल्ट 26 जनवरी को 10:30 बजे है। अल नूर शुगर मिल्स का भी फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट 26 जनवरी को 11:30 बजे। उसके बाद अटक ग्रुप में से NRL का रिजल्ट है, नेशनल रिफाइनरी का हाफ ईयर का 26 जनवरी को 2 बजे है। अटक पेट्रोलियम का भी हाफ ईयर का रिजल्ट 26 जनवरी को 3 बजे है और अटक रिफाइनरी का जो है वो हाफ ईयर का रिजल्ट 26 जनवरी को 4 बजे अनाउंस किया जाएगा। पे आउट्स के लिहाज से देखें तो मेहरान शुगर मिल्स का जो है वो 5% का बोनस अवेलेबल है, 20 जनवरी इसकी एक्स डेट है, नॉन शरिया है। नून शुगर मिल्स का भी डिविडेंड है 3.50 रुपये का, 20 जनवरी इसकी भी एक्स डेट है, नॉन शरिया है। तो कल जो है वो इन दोनों का लास्ट डे है अवेल करने का। गनी ग्लोबल होल्डिंग्स लिमिटेड के बोनस हैं 10% के, 22 जनवरी इसकी एक्स डेट है, शरिया कंप्लाइंट स्क्रिप्ट है। और गनी ग्लास लिमिटेड का डिविडेंड है 65%, यानी कि 6.50 रुपये पर शेयर का इसका डिविडेंड अवेलेबल है। 3 फरवरी को ये एक्स हो जाएगा तो शरिया कंप्लाइंट में ही आता है। अल अब्बास शुगर मिल्स, अल नूर शुगर मिल्स, जोराबाद शुगर मिल्स और शामराज शुगर मिल्स, ये आज जो है वो इनके लास्ट डे थे अवेल करने के डिविडेंड। अल अब्बास ने 10 रुपये का डिविडेंड दिया था, अल नूर ने 3 रुपये का, जोराबाद शुगर मिल 1 रुपये का, जबकि शामराज ने जो है वो 12 रुपये का डिविडेंड दिया था। कल जो है वो ये चारों एक्स होके ओपन होंगे। शामराज इनमें से नॉन शरिया है, बाकी तीनों जो है वो शरिया कंप्लाइंट में आते हैं। रिजल्ट जो है वो आज भी कोई अनाउंस नहीं हुए। इंडेक्सन जो है वो आज नेगेटिव कैंडल बनाई है और अपने जो 40,000 के लेवल से रिजेक्शन लिए और उसके नीचे जो है वो क्लोजिंग दी है। अपने जो सपोर्ट का एक लेवल था उसके ऊपर ही क्लोज हुआ है 45,700 के ऊपर। तो नीचे का जो इमीडिएट लेवल अगला है वो 45,500 है और उसके बाद 45,200 से 300 का एरिया है जहाँ पर ये ट्रेंड लाइन की भी एक लेवल है और साथ में हॉरिजॉन्टल का भी है। उसके नीचे जो है वो 44,900 का लेवल है। ऊपर के लेवल्स सबसे पहला जो है वो 46,000 है, उसके बाद ये 46,300 का लेवल है जिसको लास्ट वीक से ट्राई कर रही है उसके ऊपर क्लोज होने की। उसके ऊपर फिर 46,600 का लेवल है।
मूविंग एवरेजेस के लिए आप बात करें तो EMA 10 जो है वो 45,500 के लेवल पे है, फर्स्ट सपोर्ट का लेवल है, और उसके बाद EMA 20 जो है वो 44,800 का है, EMA 50 43,300, EMA 100 जो है वो 41,900 और EMA 200 जो है वो 39,500 के लेवल्स पे है। तो मूविंग एवरेजेस के लिहाज से भी जो है वो 44,800 जो है वो इमीडिएट लेवल है सपोर्ट का। इंडेक्स की अगर RSI देखें डेली की तो वो तकरीबन 72 पे है।